बिहार में बाहर है सुशासन की सरकार है, अपराधी बेलगाम है। खगड़िया जिले में दिन दहाड़े आंगनवाड़ी सेविका पति को गोली मारकर कर दी गई हत्या। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे YouTube फैमिली से जुड़े हुए आप तमाम साथियों का आपका अपना YouTube चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि बीते दिन खगड़िया जिला में आंगनवाड़ी सेविका के पति को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि हमारा बिहार वो बिहार था जो तीर्थ स्थानों के लिए जाना जाता था, विश्वविद्यालयों के लिए जाना जाता था, कवियों के लिए जाना जाता था। हमारे बिहार की गाथाएं गाई जाती थी। हमारा बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस को जन्म देता था। आज वो बिहार अपराधियों के नाम से जाना जाता है, बार बार सरकार बदलने का नाम से जाना जाता है। वो बिहार कहाँ गया जिस बिहार की लोग गाथाएं गाते नहीं थकते थे, सुनते नहीं थकते थे। आइए खगड़िया में जो घटना घटी है, जो पेपर में प्रकाशित हुई है, मैं आपको बताने जा रही हूं। खगड़िया में अपराधी बेलगाम दिन दहाड़े गोली मारकर आंगनवाड़ी सेविका की पति की हत्या। खगड़िया में रेस्टोरेंट मालिक की हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि बदमाशों ने आज फिर दिन दहाड़े आंगनवाड़ी सेविका के पति को गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बगडोब इलाके की है, जहां बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर आंगनवाड़ी सेविका के पति की हत्या कर दी। बदमाशों ने 35 साल के रोहित राम को सीने में गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बदमाशों ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब अमनी गांव के वार्ड संख्या 10 की आंगनवाड़ी सेविका ममता कुमारी के पति रोहित राम अपने भाई को बचाने के लिए घटना स्थल आ रहे थे। हालांकि छोटा भाई सुरक्षित है, लेकिन बड़े भाई गोली का शिकार हो गया। परिजनों की माने तो पुराने दुश्मनी में घटना को अंजाम दिया गया। गांव में कुछ लोगों ने यह काम किया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तो आपने सुना, ये बिहार जो हम कहते थे बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, ये बहुत सही में बहुत कुछ बदल गया। हमारा बिहार आपराधिक मामले से भरा हुआ है। देखा जाए तो प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमारे बिहार में लूटकांड नहीं होती है, हत्याएं नहीं होती है, छिनताई नहीं होती है, छेड़खानी नहीं होती है, बलात्कार नहीं होता है। आखिर सुशासन की सरकार क्या कर रही है? कहीं भी इस घटने को अंजाम दिया जाता है तो कहीं विपक्ष पहुंचते हैं, कभी पक्ष पहुंचते हैं, एक दूसरे पे निशाना साधते हैं। ये दोनों जाते के वो दो पार्ट है जिसमें गेहूं की तरह, घून की तरह हम तमाम जनता पीस रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। इन नेताओं के घर में तो कोई घटना घटती नहीं। जब भी घटना घटती है तो आम जनता की घटना घटती है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि आखिर इस बदलते बिहार, बढ़ते बिहार में अपराधी इतना बेखौफ बेलगाम कैसे है? इन पे शिकंजा क्यों नहीं कसी जा रही? ये लोग जब मन करे, जहां मन करे, जैसे मन करे दरिंदगी पे उतर जाते हैं और आम जनता को क्षति पहुंचाते हैं। किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का भाई गया, किसी का पिता गया, इससे सरकार को क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों को तो सरकार में आते जाते रहना है। किन्हीं की सरकारों में ये घटनाएं कम नहीं होती हैं।
अब ये कौन करवा रहा है ये समझने वाली बात है। विशेष हम नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, पक्ष हो या विपक्ष हो, जान गंवाने वाली जनता होती है, पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं आप लोग आपसे सामंजस्य बनाकर रहें, द्वेष भावना से पड़े रहें, किसी से ना कुछ लेना है ना देना है, प्यार के दो शब्द बोलने हैं, अपना कमाना है अपना खाना है। लेकिन अगर अपराधी जानबूझकर अपराध करे, वो तंग करे, किसी को नुकसान पहुंचाए, तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? पलटकर जवाब देगा और देना भी चाहिए, लेकिन इसका खामियाजा यही होता है कि जान गंवानी पड़ती है और चुप रह जाते हैं तो उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। इस पे सरकार और प्रशासन को तेजी से काम करना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी सो रही है। हर प्रखंड में थाने खुले हुए हैं, उसका एक छोटा सा मिनी ब्रांच ओपी है वो खुला हुआ है, फिर भी अपराध बढ़ते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, जनता सुरक्षित नहीं है। आखिर किसके कार्यकाल में जनता सुरक्षित होगी? बिहार का नाम जो सुनहरे अक्षरों में गाथाओं के लिए लिखी जाती थी, महापुरुषों के लिए लिखी जाती थी, विश्वविद्यालयों के लिए लिखी जाती थी, तीर्थ स्थानों के लिए लिखी जाती थी, आईएएस आईपीएस को जन्म देने के लिए लिखी जाती थी, आज वो बिहार अपराधियों के लिए जाना जा रहा है। ये हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। आप लोग सोचिएगा जरूर, 2-3 दिन पहले की बात है, हाजीपुर शहर में पंकज कुमार का वार्ड पार्षद थे, उनको भी अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपने खगड़िया में सुना कि एक सेविका पति को दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर क्या गलती है कि लोग जान लेने पे उतारू हो जाते हैं? ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देनी चाहिए, आजीवन कारावास देनी चाहिए, इससे भी बेहतर होता कि उनको बीच चौराहे पे मौत की सजा दी जाती, तभी जाकर आपराधिक मामला कुछ कम होगा। सरकारें कहती है कि हमारे कार्यकाल में महिला सुरक्षित है, दिन तो क्या रात में भी रोडों सड़कों पे चल सकती है, कहीं आ जा सकती है, सभी समुदाय के लोग सुरक्षित है, कहीं कोई आपराधिक मामला नहीं है। लेकिन आप आंकड़ा उठाकर देखिए, प्रतिदिन का, साप्ताहिक, मंथली, वर्ष का, पता चल जाएगा कि क्या आंकड़ा है आपके राज्य का। कोई सुरक्षित नहीं है। छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, छेड़खानी होती है, और उसमें कहीं ना कहीं सत्ता हो या विपक्ष हो, इन्हीं लोगों का हाथ होता है। यही लोग अपराध के जन्मदाता है और अपराध को आगे बढ़ाते हैं। इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देनी चाहिए। आप जीत के जाते हो, सरकार बनाते हो, कुर्सी पे बैठते हो, तो आप किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि आप तमाम जनता की सरकार हो। प्रशासन को भी किसी का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए, किसी के पीछे दुम नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि वो पावर उन्हें मिला है जो कि नेताओं को भी नहीं मिलता। जनता आप पे विश्वास करती है, आप जनता को सुरक्षित रखने का कसमें वादे खा के आते हैं, फिर आपके कार्यकाल में आप ही के प्रदेश छोड़िए, जिला प्रखंड मुख्यालय में ये घटना को अंजाम दिया जाता है और आप सो रहे होते हैं। आप बाद में घटनास्थल पर पहुंचकर उनका जायजा लेते हैं, आप अपराधियों से कभी मिलकर काम को वहीं पे तमाम कर देते हैं, तो किसी को सजा दिलवाने का काम करते हैं, इससे क्या जिसका बेटा खोया,
जिसका पिता खोया, जिस पत्नी की पति खोए, जिस भाई का बहन खोया, वो वापस आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा जरूर, बहुत ही मार्मिक बात हम कह रहे हैं, किसी को बुरा लगे तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन यही सच्चाई है, हमारा बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। ये गुंडों का बिहार हो गया, दबंगों का बिहार हो गया, ये अपराधियों का बिहार हो गया। आप लोग कमेंट कर हमें अपना राय विचार जरूर देंगे। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, ये अपराध कहां जाकर अपना दम तोड़ता है या और भी आपराधिक मामले को जन्म देता है, अब ये देखना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और उन आंगनवाड़ी सेविका जिनके पति को बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनके चरणों में नंदन है, अभिनंदन है। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ ही उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में साहस दे, हिम्मत दे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।